महिलाओं के लिए इंसाफ दिलाने को संघर्ष करने वाले समाज सेविका साइमा खान ने दहेज पीड़ित शबाना निवासी महमूदपुर को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है। आला अफसरान से पूरे मामले से अवगत कराते हुए साइमा खान ने मीडिया के सामने रूबरू होकर शबाना का दर्द रखा। क्या नाम है आपका? शबाना। कहाँ रहती हैं? क्या मामला है पूरा ये आपका? मुझे डिमांड करते हैं मांगने की। कौन करते हैं? बब्बू। क्या मामला है? मामला बताइए आपके साथ। खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, ये कहते हैं अपने घर पे जा, हमारे घर ना खर्चा पर्चा, अपने घर से पैसे ला के दे। मेरे भाई को भी मारने के देते हैं जान से, ये कहते हैं जान ना तो घर पे रहेगी इतना ना तो अपना काम कर, ये कहते हैं। अच्छा, तो ये तलाक दे दी इसने, और क्या कहें, तलाक दे दे रहाना शेरी, रहाना बब्बू और तुराब हाजरा, इन्होंने हम ये तलाक दिलाई। तलाक दिलाने के बाद इन्होंने हमें मार के पीट कर घर से निकाल दिया। मैं अपने घर मेरे मियाँ के वाले घर पहुँच गए लेने। शादी कब हुई थी आपकी? अप्रैल को, 6-7 अप्रैल को। थाने में तेरे दी? दी, कोई कार्रवाई ना हुई। 9-8 महीने कार्रवाई हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। क्या कहती प्लीज? हम जाते हैं, ये कह देती है आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे। एक महीना गए मेरे पापा, आज और कल कहती है आज जाएंगे कल जाएंगे। आप क्या चाहती हैं? आप, मैं ये चाहती हूँ, क्या कहें, मैं अपने घर पर सही हूँ, घर पर रहूँगा, मैं अपना पैसा लेना चाहती हूँ। मेरी माँ ख़त्म हो गई इसी सहारे में, क्या कह मैं कितना टाइम हुआ तलाक को? तलाक को 10 महीने हो गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई करी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। योगी और मोदी और क्या चाहते हो? कानून करा तब भी क्या कह मैं हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे तलाक दे 10 महीने हो गए। अब क्या चाहती? अब मैं क्या कहना, अपने घर पर आना चाहती हूँ। चलो, हाँ, क्या कहना है, किस तरह से महिला आपके संपर्क में आई है, आप सोशल एक्टिविटी करती हैं, तलाक के मसले लगातार सरकार कानून बना रही है, आप क्या कहना है? ये देखा जा रहा है कि तलाक का मसला सिर्फ एक वोट लेने के लिए, मुस्लिम महिलाओं का वोट लेने के लिए ही शायद ये कानून बनाया गया था। अगर वाकई में मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून ये बना है तो फिर ये बहम क्यों बैठी है, क्यों इसको इंसाफ नहीं मिला है और ये 10 महीने से पुलिस के चक्कर काट रही है, जो कि इनकी इनकी ही परेशानी को देखकर, इनकी माँ को हार्ट अटैक हो गया है, वो इंतकाल हो चुका है उनका, और इनका मसला हल नहीं हुआ है। मेरी योगी और मोदी जी से अपील है कि अगर वाकई वो मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करते हैं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनके जो ससुराल वाले जो इनको परेशान कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इस बहन को न्याय मिलना चाहिए।